हालातों की जानकारी देंगे। हम शामली की ओर रुख करते हैं। शामली से इस वक्त हमारे साथ आजाद खान जुड़े हुए हैं। आजाद खान, क्या बताइए, आपके जिले में इस वक्त क्या स्थिति है मतगणना को लेकर? जी मैम, देखिए यहाँ पर जो है अभी स्थिति ये बनी हुई है कि जो सपा प्रत्याशी इकरा हसन है वे भी जो है अभी बढ़त बनाए हुए है। सुबह से ही अभी पहले प्रदीप चौधरी जो है भाजपा प्रत्याशी जो है वे बढ़त बनाए हुए थे, परंतु जो 12 बजे के बाद जो है इकरा हसन प्रत्याशी जो है वे बढ़त बना चुकी है अपनी 545,770 वोटों से आगे चल रही है। और यहाँ के जो प्रदीप जो है भाजपा से प्रत्याशी है वे भी फिलहाल लगातार अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। अभी भाजपा को बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। भाजपा जो है यहाँ से शामली जो कैराना लोकसभा सीट है उससे बढ़त बनाई हुई थी, परंतु जो 12 बजे के बाद इकरा हसन सपा प्रत्याशी हैं उन्होंने लगातार 12 बजे के बाद अपनी बढ़त बनाई चालू कर दी है। 45,770 वोटों से प्रत्याशी आगे चली है। जी मैम, ठीक है। कानपुर से इस वक्त आयुष मिश्रा जुड़े हुए हैं। आयुष, आप बताइए आपके जिले में इस वक्त क्या हलचल है, कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे है? मैडम, कानपुर में इस समय रमेश अवस्थी बीजेपी से 5,074 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बताते चले, वहीं वो T20 की तरह मैच की तरह एक टक्कर की लड़ाई हो रही है। दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी भी टक्कर दे रहे हैं लगातार। जी, और प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जैसे कि मारपीट की घटना सामने आई थी सपा में और बीजेपी में, तो इस वक्त कानपुर में क्या स्थिति सामान्य है? प्रशासन पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है तमाम व्यवस्थाओं पर? जो मैडम आपको बताना चाहें, कानपुर में प्रशासन जगह जगह मुस्तैद है। कानपुर में ऐसी कोई भी चर्चा विषय नहीं बना है, अभी तक कोई ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई है। इसमें की 3,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ तैनात है। 2 शिफ्टों में ड्यूटी चल रही है यहाँ पे, जो की अभी कुछ देर बाद ड्यूटी चेंज हो जाएगी। जी, हमारे साथ इंदौर से बड़वानी से कमलेश अलासिया मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? भाजपा को वहां से अच्छी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कमलेश जी। जी मैम। जी ना, मध्य प्रदेश में भाजपा इस वक्त अच्छी पकड़ बनाए है, बढ़त मिल रही है लगातार सभी सीटों पर, क्या माहौल है इस वक्त आपके जिले में? मैम, हमारे यहाँ बड़वानी खरगोन लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र पटेल 1,22,000 से आगे हैं, यानी कि वो जीतने वाले हैं, उनकी लगभग उनकी जीत तय है। मैं मेरे पीछे में गजेंद्र जी पटेल जो लोकसभा प्रत्याशी सांसद, उनके घर के निवास के बाहर ही खड़ा हूँ मैं। बिल्कुल, क्या माहौल है? काफी जश्न का माहौल है और यहाँ पर काफी कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए उनके निवास स्थान पर, उनका इंतजार किया जा रहा है। वो जैसे ही आएंगे कि यहाँ पर फटाकों की तैयारी है, अभी से यहाँ पर मिठाई वगैरह बांटना प्रारंभ कर दिया इन लोगों ने, शुरुआत हो गई है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। कमलेश जी, अपने कैमरामैन से कहिए थोड़ा विजुअल दिखाएं, क्या माहौल है? मिठाइयों को लेकर आपने बात की है, फटाकों की कार्यकर्ता मौजूद है, क्या कुछ कार्यकर्ता इस वक्त बात कर सकते हैं? जब तक दिखा देगा जश्न का माहौल है। कमलेश जी, जी क्या कुछ कार्यकर्ता इस वक्त बात करने की स्थिति में है? मैं आवाज थोड़ी सुन नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं आपको ये बता दूं कि भाजपा के प्रत्याशी के गजेंद्र जी पटेल के मैं निवास स्थान पर, जहाँ पर मिठाइयाँ ये बांट चुके हैं, काफी तैयारी है और उनकी जीत लगभग तय है। खरगोन बड़वानी के सांसद गजेंद्र पटेल जी, उनको दोबारा मौका दिया था पार्टी ने, ये दूसरी बार भी उनकी लगभग जीत तय है। 1,22,000 से तो आगे चल ही रहे हैं, अभी मतगणना चल रही है, मगर जीत लगभग तय मानी जा रही है मैम। जी कमलेश जी, आपके पीछे कुछ कार्यकर्ता है, क्या उनसे बात हो सकती है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे क्राउड ज्यादा है, इसलिए मैं आवाज आपकी कम सुन पा रहा हूँ। कमलेश जी, कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं आपके पीछे, कुछ कार्यकर्ता आपके पीछे मौजूद हैं, क्या उनसे बात हो सकती है? उनके परिवार वाले? जी जी जी, कार्यकर्ता हो, परिजन हो, जी बताइए, कराइए बात।
मैं बात करा रहा हूँ सीमा जी जी चलिए जब तक कमलेश जी से जी बोलिए कमलेश जी बोलिए यहाँ पर काफी कमलेश जी मिलने वाले इतने हैं कि काफी कार्यकर्ता हमारे साथ है इनका नाम नारायण है मैम और ये भाजपा प्रत्याशी गणेश जी पटेल के निवास स्थान पर हूँ मैं 1,70,000 से मतगणना प्रारंभ चल रही जीत लगभग तय मैं उनसे बातचीत करा रहा हूँ जी कराइए बात कराइए क्या लग रहा है आपको कि प्रचंड बहुमत है ठीक है काफी जश्न का माहौल है पूरा उत्साह है और लग रहा है सभी को जीत का पूरा भरोसा है कि जीत होगी अब हम एक बार वापस से शामली की ओर रुख करेंगे शामली से आजाद आप बताइए क्या माहौल है क्या लगता है किसको जीत पक्की साबित हो सकती है किसका मिलना किसको जीत मिलना तय माना जा रहा है दो बज चुका है मैम आवाज थोड़ी कम आ रही है थोड़ा सा क्राउड ज्यादा नहीं मैम यहाँ पर आजाद आजाद जी से सवाल किया आजाद जी से आजाद जी अपना माइक अनम्यूट करिए जी जी मैम देखिए शामली के अंदर जो है एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर लोगों के अंदर एक गर्म माहौल दिखाई दे रहा है जो पहले प्रदीप चौधरी आगे चल रहे थे तो सपा प्रत्याशियों के जो चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई थी परंतु 2 बजे के बाद जो सपा प्रत्याशी इकरा हसन है उन्होंने बढ़त बढ़ानी चालू कर दी है तो इकरा हसन के चेहरे पर भी एक खुशी की लहर दिखाई दी है यहाँ पर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है जी जी आयुष आप बताइए क्या कुछ अपडेट और है कानपुर से आयुष माइक अनम्यूट कर लीजिए जी बताइए कानपुर आपको बताते चले मैडम भाजपा की एक तरफ जहां खुशी कहीं दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि भाजपा की 50,000 वोटों से रमेश अवस्थी की जीत भी हो सकती है 7,500 वोट से भी आगे और 7,500 वोटों से रमेश अवस्थी आगे हुए हैं ठीक है प्रयागराज से इस वक्त प्रयागराज से आयुष हमारे साथ आयुष क्या कुछ अपडेट है प्रयागराज से आयुष अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आयुष से इस वक्त अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है हम एक बार फिर से कानपुर की ओर चलते हैं आयुष मिश्रा आप बताइए क्या कह रहे थे अपनी बात पूरी करी मैडम जहां भाजपा 7,000 वोटों से भी आगे हुई है और आपको और लड्डू का भी वितरण होने की तैयारी दिख रही है हम लोगों को और ठीक है आयुष कुछ लोग मौजूद हैं मुस्कुराते चेहरे दिख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे कमलेश जी आपके साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं क्या कहेंगे हाँ यहाँ पर काफी कार्यकर्ता जो बिल्कुल खुशी का माहौल बना तो हुआ है मैम जी आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ जी जी आप बोलिए आपकी आवाज हम तक पूरी पहुंच रही है कमलेश आप बोलिए आपकी आवाज पहुंच रही है एक और कार्यकर्ता है मेरे साथ जो पांच सेवन नगर परिषद के अध्यक्ष हैं जी
ये भी काफी दूर से आज भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र जी पटेल के निवास स्थान पर आए हैं, उन्हें बधाई देने के लिए काफी संख्या में कार्यकर्ता है। मेरा कैमरामैन, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, काफी लोग हैं यहाँ पर, जो काफी बाहर भी है जो टीवी स्क्रीन पर मतगणना के परिणाम देख रहे हैं, और मिठाइयां वगैरह तो बांटी चुके हैं, बस अब थोड़ी देर में जीत लगभग तय हो जाएगी, तो फटाके वगैरह फूटना और ये मिलन समारोह बन जाएगा। कुल मिलाकर लगातार ये दूसरी बार वो विजय होंगे जी। आयुष, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? प्रयागराज से आयुष जी। जी जी जी, बताइए क्या माहौल है आपके जिले में, फटाफट अपडेट दीजिए। इलाहाबाद में, इलाहाबाद में इस बार पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, कैमरा सीधा करिए, आयुष जी कैमरा सीधा करिए। कमलेश जी क्या कह रहे थे आप, बताइए। क्या कह रहे थे आप, बताइए, बात पूरी करिए अपनी। जी मैम, क्या कह रहे थे आप, अपनी बात पूरी करिए जी। नहीं मैम, मैं तो यहीं पर हूँ, बस यही बताना था कि उनको दोबारा मौका मिला है और दोबारा प्रमाण जीत के साथ यहाँ पर फिर से विजयी होगी भाजपा जी। ठीक है, तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं और तमाम उन्होंने हमसे जानकारी साझा की, जैसे कि मध्य प्रदेश के बड़वानी में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता जो प्रत्याशी है मैदान में बड़वानी से, उनके घर में इस वक्त जश्न का माहौल दिख रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये भी यहाँ होगी कि क्या ये जश्न की तैयारी करना कहीं जल्दबाजी तो नहीं, या फिर ये जश्न शाम तक आते आते वाकई जीत में तब्दील हो जाएगा, ये देखना और भी दिलचस्प होगा। तो आप ऐसी ही तमाम जुड़ी ऐसी ही बड़ी अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ। तो आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां अवैध वाहनों पर यातायात पुलिस ने की कार्यवाही, साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां दो पक्षों में हुआ विवाद, और अंत में चर्चा करेंगे सीहोर की, जहां लगातार जारी है रेत का अवैध खनन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 1 जून से नए ट्रैफिक नियम लागू हो चुके हैं, जिनका पालन करवाने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा गत दिनों पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में ऑटो चालकों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नए ट्रैफिक नियमों से अवगत कराया गया था। इसके बाद यातायात